अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बर्ड्स प्लानेट। तो दोस्तों जैसा कि अगर देखा जाए कि हमने अभी अपनी बकरियों को ना मतलब के खाना वगैरह डाल दिए, घास वगैरह, तो घास जैसा कि बेसिकली बकरियों को देना चाहिए, यानी कि हमारे तक बर्ड्स के हवाले से चैनल है। तो फिर भी आप दोस्तों के साथ अपने मिनी दू के परिंदों के साथ मतलब के जानवरों वगैरह को शेयर करते हैं। तो जैसा कि देखा जाए तो हमने हमारे ये छोटे जो चूहे थे ये बीमार हो गए थे, तो इनको दवाई वगैरह ला के अभी दी है जी। यही सारा रोल अब बना हुआ था, तो ये आप देख सकते हैं, ये मतलब के पट्टी है, ये भी काफ़ी अच्छी थी, ये भी बीमार हो गई है। तो डॉक्टर के पास लेके गए थे जी, डॉक्टर कह रहे जी आगे सारे मुर्गों को और ये इस तरह करानी खेत को, कोई वो है उसको आप देख सकते, वो अभी छोटे हैं तो इनको अलग किया हुआ। तो इनको दवाई मतलब ना पानी में ला के मिक्स करके दी है फिलहाल। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि यही कुछ होगा, बाहर बड़ी सा गर्मी है, इसी वजह से हमने बाहर भी आना जाना नहीं हो सका। तो उधर से सिर्फ वो डॉक्टर के पास ले कर गए जी उस मुर्गे को, उधर से फिर आए हैं। तो वो मुर्गा कौन सा मुर्गा है वो भी वीडियो को आगे चल के आप दोस्तों को बताते हैं जी। शैडो साथ को हमारे देखने वो जा रहा है जी तारों में से होता हुआ, तो शैडो आजकल गाड़ी नहीं आता है। तो आप दोस्तों के साथ ये इस तरह की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अब हमारे पास जितने भी जानवर हैं हमारे चैनल यानी कि बर्ड्स के हवाले से, तो बर्ड्स हमारे पास जितने भी वो आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। अब जिस तरह के आप देख सकते हैं जी हमारी बेबी डक को, बेबी डक तुम इधर क्या कर रही हो? तो बेबी डक माशाल्लाह से आप देख लें जी काफ़ी हद तक सेहतमंद भी है और बड़ी भी हो चुकी है, यानी कि अपने माँ बाप पे गई है। तो शैडो किस चक्करों में फिर रहा, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि शैडो सुन रहा भी नहीं है जी। शैडो चक्करों में ये है कि वो एक सफ़ेद कलर की एक और बिल्ली बैठी है और हमारा शैडो मेरे ख्याल में लड़ाई के मूड में, इसीलिए वो उधर उनके उस बिल्ली के आस पास फिर वो आप देखें वो उठ के गई है। अभी कुछ ना कुछ होने वाला है, या तो हमारे शैडो मारा जाएगा ऐसे डर के भागेगा। आप बैठ तो वो गया देख रहा जी बिल्ली को, तो खैर वो आगे शैडो को हम देख लेंगे जी वो क्या कर रही है। हमारी ब्लैक कलर की मुर्गी, हाँ तो मैं मुर्गा दिखाने के लिए जा रहा था जी कौन सा मुर्गा था जो बीमार हो गया। फिर चलते हैं उस मुर्गे को देखते हैं जी, तो जिसको हम डॉक्टर के पास लेके गए हुए थे मुर्गा के साथ। ये दोस्तों जैसा गया कि हमारा ये येलो मुर्गा था, ये रेड कलर का, तो ये बेचारा बीमार हो गया था, इसको हम डॉक्टर के पास लेके गए थे। अब माशाल्लाह से काफ़ी हद तक ठीक है। कालिया को आप देख सकते हैं जो हमारे ये जो और मुर्गे हैं यानी कि चूते हैं, ये आपको अच्छे लगे तो वीडियो को आदमी हमें मतलब कमेंट करके बताएं इनमें से सबसे मतलब कि जैसा कहेगा सील कौन सा। जहाँ तक मुझे लगता है ना कि ये जो पीली टांगों वाले होते हैं ना, ये मतलब के मिक्सचर होते हैं जी, तो पीली टांगों में तो वो जिस तरह के सफ़ेद वाला भी है, ये भी तो एक ही थोड़ी सफ़ेद टांग है, वो मुझे थोड़ा बहुत मतलब ना सारो मुर्गों में से सही लगता है। और दूसरा इसको आप देख सकते हैं जी, तो अभी फ़िलहाल दोस्तों अभी जैसा कि हम जाएंगे और अपने मुर्गों को देखते हैं जी। वो अभी तक वो चूज़ा भी मार रहा जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, उसने पानी पीना शुरू किया हुआ, यानी वो पानी पानी पिए जा रहे, वो इस वजह से ना कि कालू को पता नहीं क्या आगे वो हर टाइम इस तरह की आवाज़ें निकालता आए चलते उधर जाके हम अपने मतलब जो हमने उस दिन रखा था पानी वगैरह, तो देखते हैं कि साफ़ है, या परिंदों के लिए जो पानी रखा है वो देखते हैं साफ़ पानी है या नहीं। जिस तरह के दोस्तों आप देख सकते हैं जी, ये हमारा मुर्गा जो है कि वह इधर गली में फिरता रहता है और काफ़ी हद तक ये भी ठीक ठाक है। वो पानी देख सकते हैं जी, पानी उधर ठंडा पानी का एक तरह से चश्मा है आप कह लें जी नेमत। ये तो मुर्गे ने इधर मट्टी अपने लिए निकाली हुई है जी, खुद इधर गुस्सा रहता है। और ये इनको देख लेते हैं जी पौधों वगैरह को, ये भी माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी हद तक बड़े हो चुके हैं। मौसम आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर मौसम है, लेकिन ठंडा मौसम है। दो तीन दिनों से जो बारिशें हुई हैं वो काफ़ी हद तक ना कारामा साबित हुई हैं, तो बारिशों से ना कारामा साबित होने का मकसद भी दोस्तों यही है कि बारिशें अच्छी साबित हुई हैं हमारे लिए। इधर काफ़ी मौसम भी बेहतर हो चुका है, यानी कि मौसम ठंडा हो चुका है, नहीं तो पहले आप दोस्तों को पता है ज़रा सा बंदा बाहर आता है तो इस तरह पसीने मतलब कि ना एकदम से निकलना शुरू हो जाते हैं। और अब काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है जी, पसीनों वगैरह से तो जान छूट चुकी है जहाँ तक। तो आप दोस्त भी कॉमेंट करके बताएँ कि आप दोस्तों के शहर का मौसम क्या और टेम्परेचर जाहिर आ रखे, यानी कि हमारे आज के मुताबिक मैं आप दोस्तों को बताता हूँ जी, हमारे इधर रावलपिंडी में 23 दर जाहिर आ रहा था, और जैसा कि मरी में, मरी का जहाँ तक मेरे ख्याल में 23 है, तो मरी